भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नव मतदाता सम्मेलन आयोजित करते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की जानकारी दी। सम्मेलन के मुख्य वक्ता एडवोकेट कुंदन परिहार व भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नव मतदाताओं को जानकारी दी जा रही है। साथ ही बीते 9 साल में भारत सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उसे भी जनता के बीच ले जाने के लिए नव मतदाताओं का सहारा लिया जा रहा है। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष दीपक गसियाल ने कहा कि अधिक से अधिक नव मतदाताओं को जोड़ने के लिए मतदाता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण, महामंत्री संजय परिहार, गौरव दास, मनोज ओली आदि मौजूद थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर महाजन संपर्क अभियान के तहत नव मतदाता सम्मेलन करवा रही है। उसके तहत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बागेश्वर ने जिला कार्यालय में यहाँ पर अपने भाजपा के नव मतदाता सम्मेलन करवाया है, जिसके तहत हम नरेंद्र मोदी जी के नौ वर्ष के जो कार्यकाल हैं उनकी जो योजना है वो हम नव मतदाताओं के बीच में रखना चाहेंगे। क्योंकि देखिए 2014 से लेकर आज तक का जो कालखंड है वो हमारे नव मतदाताओं ने देखा, उससे पूर्व के जो सरकारें रही हैं उनका कालखंड शायद हमारे जो नव मतदाता हैं उन्होंने नहीं देखा है। उन दोनों सरकारों की हम तुलना करते हुए इन नव मतदाताओं को यहाँ पर बताने वाले हैं और एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर हम जो 9 वर्ष की डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर है हमारी प्रधानमंत्री जी की वो यहाँ पर हम दिखाएंगे। और जो हमारा रजिस्ट्रेशन का कार्य है, जैसे नव मतदाता हैं जो अभी 18 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन करने का, उनको वोटर आईडी बनाने का कार्य भी हम इस सम्मेलन में करने जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के सफलतम कार्यक्रम के निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने सारे देश भर में एक महाजनसंपर्क अभियान चलाया है और इस महाजनसंपर्क अभियान के निमित्त ही अपने जनपद में भी विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं और उन कार्यक्रमों से एक आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नूतन मतदाता सम्मेलन यहाँ पर किया है। क्योंकि ये मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अब ये पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। हम अपने मताधिकार का उपयोग कैसे करें, किसको करें और देश हित में उसका क्या योगदान हो सकता है, इसी के निमित्त हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं और हम ये बताएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीति है, नीति है, जो हमारी कार्यप्रणाली है, जो मोदी जी ने इन 9 सालों में किया है, उन सबको समर्थन देने के लिए हम सभी युवाओं से आह्वान करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज जो नव मतदाता सम्मेलन यहाँ पर कराया गया है और मैं निश्चित रूप से युवा मोर्चा के अपने जिलाध्यक्ष जी सहित पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि उनने एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसके माध्यम से जो हमारे युवा हैं उनको अपनी, क्योंकि ये समाज में राजनीतिक रूप से भी उन लोगों को खड़ा होना चाहिए और समाज में क्या क्या कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे हैं और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा किए जा रहे हैं, उन कार्यों को भी हम उन युवाओं को बताएंगे और उनको जो एक जागरूकता भी समाज के प्रति और इस देश के प्रति उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी है उसके बारे में भी हमारे युवा साथी हमारे वक्ता यहाँ उनको अवगत कराएंगे। और निश्चित रूप से युवा हमारी रीढ़ है और जब युवा ही आगे बढ़ेगा और युवा ही, क्योंकि हमारा ये देश युवा भारत है और इस युवा भारत में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी भूमिका के मद्देनज़र आज ये नव मतदाता सम्मेलन भी युवा मोर्चा द्वारा रखा गया। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।